अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ साथ हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी, एक मजेदार रेसिपी रेड सॉस पास्ता की, जो बहुत पसंद की जाती है वो लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाफ कप ऑयल ले लिया हमने, साथ ही हमने दूसरी जगह पानी में ऑयल डाल के बॉईल आने के लिए छोड़ा हुआ, ताकि हम अपना पास्ता भी उबाल लें। ऑयल ले लिया हमने, उसमें हमने डालनी है चॉप हुई हुई प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हम ना जो हमारा पास्ता है ना, उसकी सॉस रेडी कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। ये बहुत मजे की बनेगी, बहुत आसान रेसिपी से मैं आपको बता रही हूँ। प्याज देखिए कितनी बारीक चॉप हुई हुई है, हल्का सा कलर चेंज कर ले, उसके बाद मिलते हैं। प्याज को हमने लाइट सा सौते कर लिया। अब हम दो चिकन क्यूब्स डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं, साथ ही कुछ वेजीज हैं वो भी डालेंगे। शिमला मिर्च है, थोड़ी सी प्याज है, गाजर है, बस उसको भी साथ ही हम हल्का सा सौते करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। 4 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारी जो सब्जियां थी, प्याज थी, वो फ्राई हो चुकी थी। अब हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस, जितना कि आपको फ्लेवर पसंद है, रेड चिली सॉस, टमाटो पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बात है कि टमाटो की स्मेल और खत्म करने के थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो उससे के निस्बत मैं आपको कहूंगी कि चिली गार्लिक सॉस आप ऐड करें, इजी भी होता है, जल्दी से बन भी जाता है। अभी तक हमने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की। एक सेकेंड, ये बस। अब इसमें हम डालेंगे, लो फ्लेम कर दें बस अपने चूल्हे का, आधी चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस निहायत ही मुख्तसर से डालेंगे इसमें। दारा मिर्च 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हसबे जायका। हमारी ये सॉस को हमने 3 से 4 मिनट बस पकाना है लो फ्लेम पे, फिर ये रेडी है। देखिए कितना आसान और जल्दी से झटपट से बनने वाला रेड सॉस पास्ता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट हमने इसे कुक किया लो फ्लेम पे, और ये हमारे मजेदार रेड सॉस हमारी रेडी हो गई पास्ता के लिए। साथ ही पानी में देखें बॉईल आना हो गया शुरू, तो अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारी जो हमारा पास्ता था, ये उबल चुका है और नरम पड़ चुका है। थोड़ी सी कसर हम छोड़ते हैं, हल्का सा खड़ा खड़ा रहते हैं, मुझे मजे का लगता है, बिल्कुल हलवा अच्छा नहीं लगता। अब बस मैं इसको एक बार ठंडे पानी में से पानी निकाल दूं, पानी रेन कर दूं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पास्ते जो था उसमें पानी मैंने बहा दिया था, ठंडा सा पानी कर दिया था। देखिए खिला खिला बना, जुदा नहीं है रेड सॉस पास्ता। चूल्हे को मैं हल्का करती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे, और अब हम करते हैं इसे मिक्स बगैर चिकन के। निहायत मजे का बनता है, बहुत लाजवाब। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा बना आपको, कैसा लगा।
मसाले को अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स ऐसे। सॉस जो हमारी है देसी जुबान में मसाला, ये देखें जी सुबह। इसे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं हर दफा करती हूँ इस बार भी करूंगी, लो फ्लेम पे 3 मिनट का दम देंगे। 3 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे और हमारा जो पास्ता था वो परफेक्टली कुक्ड हो गया था। कवर देना चाहिए होता है कि जो मसाला होता है वो अंदर तक इसमें बस जाता है, फ्लेवर आ जाता है। बहुत मज़े का बना था। और अभी आप इसके मैं आपको उसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, उसकी फ़ाइनल लुक भी देखें। लाजवाब बना था, लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और कोई बात समझ ना आए तो पूछ लिया करें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हाफिज़।